हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके इंटीग्रेशन कैसे हल करना है इसके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी छात्र देखें, हमको यहां पर प्रश्नावली 7.3 इसका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ये हमको ज्ञात करना है। तो सभी छात्र देखें कि हमको मालूम है कि cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इसमें आपका साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। क्लियर? तो हम यहां पर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x प्लस 5 अपॉन 2 इंटू dx। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व करें तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 बाहर निकाल देंगे cos 2x, तो 2 को अंदर लेगा तो 4x हो जाएगा आपका, 4x प्लस 10 इंटू dx। तो हम यहां देखते हैं कि 1 बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1 अपॉन 2, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 प्लस सी, ये आपका इसका आंसर है। इसी प्रकार से छात्र सेकंड और थर्ड को भी करेंगे। अब हम एथ क्वेश्चन देखेंगे, तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां देखते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और यहां रख देंगे हम 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू dx। तो आपका इसमें यह 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और यह 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू dx। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x अपॉन 2 1 अपॉन 2, और माइनस 1 का होता है x प्लस सी। तो इसको और सिंपल कर लेंगे तो यहां आ जाएगा आपका 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस सी, ये आपका आंसर है। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12th, तो क्वेश्चन नंबर 12th में क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो आपका 1 और माइनस 1 कैंसल हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 1 बाई 2 tan स्क्वायर x इंटू dx। तो 1 बाई 2 कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो 1 बाई 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और माइनस 1 का x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।